कांग्रेस के प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप? मूड ठीक है? अच्छा है। बेरोजगारी है? युवाओं को रोजगार मिल रहा है? किसानों को सही दाम मिल रहा है? कर्जा माफ हुआ? अच्छे दिन आ गए? अच्छा, एक बात बताओ, हिंदुस्तान में आप किसी से भी पूछो, जनता की समस्या क्या है, एक सेकंड में जवाब मिलता है। किसानों की हालत, बेरोजगारी, यही जवाब मिलता है ना, है ना? किसी भी युवा से पूछ लो, भैया क्या हो रहा है, क्या करते हो? कुछ नहीं। किसान से पूछो क्या हालत है, मोदी जी ने बर्बाद कर दिया। मगर मीडिया में ना आपको बेरोजगारी की बात सुनाई देगी। कभी सुना आपने मीडिया में कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है? कभी सुना है ना मीडिया में आपने कभी सुना है कि महाराष्ट्र में किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ? ना। सूखा पड़ा है, किसान दबा हुआ है, इसके बारे में आपको मीडिया में नहीं सुनाई देगा। मीडिया में आपको कभी मोदी जी कॉर्बेट पार्क में दिखाई देंगे, कभी फिर चांद की बात होगी। मगर जो जनता के मुद्दे हैं उनके बारे में आपको मीडिया में नहीं सुनाई दिया जाएगा। इसका कारण है, मीडिया का काम, मोदी जी का काम, अमित शाह जी का काम, आपके ध्यान को सच्चे मुद्दों से हटाकर कॉर्बेट पार्क, चांद, चाइना, पाकिस्तान, जापान, कोरिया में ले जाने का है। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है। 2000 कारखाने यहां बंद हुए हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर की धज्जियां उड़ गई। मैं कुछ दिन पहले गुजरात में था, कपड़े की इंडस्ट्री, डायमंड की इंडस्ट्री खत्म। मीडिया में एक शब्द नहीं। नरेंद्र मोदी जी इसके बारे में नहीं बोलेंगे। हो क्या रहा है आप समझिए। महाराष्ट्र में किसानों का कितना कर्ज माफ हुआ है? नहीं हुआ ना? आप शांत हैं, चुप हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोग जो मीडिया के मालिक हैं, नाम जानते हो, अंबानी, अदानी, ये 15-20 लोग हैं, इनका कितना कर्जा माफ हुआ है आप मुझे बताओ। कोई जानता है यहां पे? साढ़े 5 लाख करोड़ रुपए
5.5 लाख करोड़ रुपए इनका कर्जा माफ करके इनको दिया गया है। मनरेगा को चलाने में 35,000 करोड़ रुपए लगते हैं, 15 लोगों को नरेंद्र मोदी ने 5,50,000 करोड़ रुपए पिछले सालों में दिए हैं। किसान अपना कर्जा वापस नहीं देता है, उसको जेल में डाल देते हैं, मगर हिंदुस्तान के अमीर से अमीर लोग अपना कर्जा वापस नहीं देते, उसको कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और बैंक के दरवाजे एक बार फिर उसके लिए खोल देते हैं। नोटबंदी की इसका लक्ष्य क्या था? गब्बर सिंह टैक्स जीएसटी लागू किया, इसका लक्ष्य क्या था? हिंदुस्तान के गरीब लोगों के जेब से पैसा निकालकर हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों के जेब में डालने का लक्ष्य था। आपको कहा, याद रखिए, आप याद रखिए तरीका इनका, मोदी जी आएंगे कहेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, नोटबंदी करनी है। नोटबंदी की, भाइयों और बहनों, क्या काला धन कम हुआ? लाइन में आपने भ्रष्ट लोग देखे थे क्या? नोटबंदी की लाइन में एक नहीं खड़ा था। महाराष्ट्र के किसान खड़े थे, मजदूर खड़े थे, कमजोर लोग खड़े थे, उनके जेब में से पैसा निकाला। और नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे चोरों का कर्जा माफ किया। फिर मोदी जी कहते हैं मुझे फांसी से लटका देना, फांसी से लटका देना। उसके बाद नोटबंदी की बात नहीं होगी, फिर गब्बर सिंह टैक्स की बात होगी। 12 बजे रात को गब्बर सिंह टैक्स करना है। आप किसी भी छोटे दुकानदार से पूछो, छोटे बिजनेस वाले से पूछो, उसके बिजनेस का क्या हुआ? सत्यानाश पूरे देश में, सिर्फ महाराष्ट्र में मत सोचो। आप यह मत सोचो कि सिर्फ महाराष्ट्र में नुकसान हुआ है, कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से बंगाल, एक छोटा भी व्यापारी आपको नहीं मिलेगा जिसको नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी और गब्बर सिंह टैक्स से मारा ना हो। लाखों करोड़ युवा बेरोजगार। चुनाव का समय आता है, बेरोजगारी की बात नहीं होगी। युवा देख रहा है, कह रहा भाई मेरा तो भविष्य नहीं है, कुछ बचा ही नहीं। दूसरी तरफ से उनसे कहेंगे बेटा चांद की ओर देखो, चांद की ओर देखो, हिंदुस्तान ने रॉकेट भेजा है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। इसरो को कांग्रेस ने बनाया था, रॉकेट 2 दिन में नहीं गया, सालों लगे हैं, उसका फायदा जरूर नरेंद्र मोदी जी उठा रहे हैं। मगर चांद में रॉकेट भेजने से हिंदुस्तान के युवा के पेट में भोजन नहीं जाएगा। चाइना के राष्ट्रपति के साथ बैठे कल, मीडिया दिखा रहा है चाइना का राष्ट्रपति बैठा है, टेबल पे बैठे हैं, चाय पी रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने चाइना के राष्ट्रपति से पूछा, भैया ढोकलाम में क्या हुआ? आपकी फौज अंदर आ गई हिंदुस्तान में? यह सवाल पूछा, मीडिया ने पूछा, नहीं। नरेंद्र मोदी आए थे, कहा था मेक इन इंडिया,
मेक इन चाइना को हम मेक इन इंडिया में बदलना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात बोली, हो गया मेक इन इंडिया। आप जाइए पुणे, जाइए किसी भी फैक्ट्री में चले जाइए, पूछिए मेक इन इंडिया कैसा चल रहा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मेड इन चाइना, सारी की सारी चाइना की कंपनी हिंदुस्तान में। कुछ भी खरीदना भैया उसके पीछे देखो मेड इन चाइना। यह सवाल पूछा नरेंद्र मोदी जी ने चाइना के राष्ट्रपति से, मीडिया में यह लिखा गया क्या कि हिंदुस्तान में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक, और कुछ भी खरीदना है उसके पीछे मेड इन चाइना। देखो चाइना के युवाओं को रोजगार मिल रहा है ना, ये नहीं आएगा मीडिया में। कुछ ही दिन पहले 1,25,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के सबसे अमीर बिजनेस वालों का टैक्स माफ हुआ, 1,25,000 करोड़ रुपया। किसी ने चूं तक नहीं बोला, मीडिया में तालीबाजी, पटाखे फटे, धूमधाम, दिवाली के गिफ्ट दिया है। अरे हमारे किसानों को क्या दिया आपने? यहां के किसानों को आपने कौन सा दिवाली गिफ्ट दिया? उनको 1,25,000 करोड़ रुपए दिवाली गिफ्ट इनको किया दिया, यह मीडिया में क्यों नहीं आता है? क्योंकि भाइयों और बहनों मीडिया उनका है, मीडिया हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों का है, उनकी तो लॉटरी खुल गई है, उनका तो मजा है। और अभी शुरुआत हुई है, कहना नहीं चाहिए मगर अभी शुरुआत हुई है, अभी तो नुकसान शुरू हुआ है। आप देखना 6-7 महीने में आप हालत देखना क्या होती है। इन लोगों ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया है। जो काम कांग्रेस पार्टी ने, मनमोहन सिंह जी ने सालों किया, इन्होंने नष्ट कर दिया है, खत्म कर दिया है। और इसीलिए चुनाव में कभी कश्मीर की बात करेंगे, कभी ये 370 की बात करेंगे, कभी ये चांद की बात करेंगे, मगर जो असली मुद्दे हैं उनके बारे में इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। अच्छा तरीका है, मैं मानता हूं, जरूर राजनीतिक फायदा इनको मिलता है, ध्यान उधर की ओर करो, टीवी हाथ में है, मीडिया हाथ में है, और फिर पैसा, जनता का पैसा लूटकर, छीनकर उन्हीं 15-20 लोगों को देते जाओ। मगर जनता को यह बात समझ आ रही है, जनता बड़ी होशियार है इस देश की, सब कुछ देख रही है, कह रही है बीजेपी के नाथ ने कहा था कर्जा माफ होगा, हमारा तो नहीं हुआ, उनका हो गया, कहा था मेड इन इंडिया होगा, फैक्ट्रियां खुलेंगी, यहां पे तो 2000 कारखाने बंद हो गए, कहा था किसानों की मदद होगी, यहां पे तो सूखा पड़ा है। जनता समझती है, और गुस्सा आस्ते 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 बढ़ता जा रहा है। बदलाव आएगा, मगर दुख की बात है कि आपको इतनी कठिनाई झेलनी पड़ रही। आज हिंदुस्तान के युवा को यह नहीं मालूम कि कल क्या होगा। किसान डरता है, रात भर जगा रहता है,
कर्जा कैसे लौटाऊंगा। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी अच्छी नींद लेते हैं बिना कोई डर, कुछ नहीं होने वाला, मैं तो लंदन चला जाऊंगा, मेरे बच्चे तो जाके अमेरिका में पढ़ेंगे, मेरा हिंदुस्तान से कुछ लेना देना नहीं, मेरे पास तो नरेंद्र मोदी जी का तो मैं मित्र हूं, मेरे पास तो हजारों करोड़ रुपए हैं, मैं तो कभी भी चला जाऊं। यह हिंदुस्तान की सच्चाई है। और एक आखिरी चीज आपको बता देता हूं, यह जो देश बना है, जो प्रगति हुई है, यह इसलिए प्रगति हुई है क्योंकि इस देश ने एक साथ काम किया है। हर जात हर धर्म ने मिलकर हिंदुस्तान को बनाया है, यह बात आप मत भूलिए। और जितना इस देश को बांटा जाएगा उतना इस देश का नुकसान होगा, जितना इस देश को बांटा जाएगा उतनी फैक्ट्रियां बंद होंगी, जितना इस देश को बांटा जाएगा उतने बेरोजगार युवा आपको दिखाई देंगे, क्योंकि इस देश की शक्ति सबकी शक्ति है। जब तक जैसे ही आप इस देश की शक्ति को जोड़ोगे ये देश तेजी से आगे जाएगा, ये सच्चाई है। और महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा महाराष्ट्र के दिल के अंदर है। ये जो प्रदेश है ये कांग्रेस पार्टी की नींव है, फाउंडेशन है। यहां पे आपके दिल के अंदर, आपके खून के अंदर कांग्रेस पार्टी की, हिंदुस्तान की विचारधारा भरी हुई है, उसको कोई निकाल नहीं सकता है। आप एक दूसरे की इज्जत करते हो, प्यार से काम करते हो, बहाने नहीं बनाते हो, पूरा देश यह जानता है। और इसलिए मैं जानता हूं कि यहां पे कांग्रेस पार्टी चुनाव में जीतने जा रही है। कुछ साल पहले मैं यहां आया था, उस समय आपके कैंडिडेट ने कहा था कि यहां जो शुगर फैक्ट्री बंद पड़ी है उसको मैं खोल के दिखाऊंगा। जो कहते हैं करते हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में आके ये आपको चांद के बारे में नहीं कहेंगे, ये आपको दो तीन वायदे करेंगे स्टेज से करेंगे, मगर जो कहेंगे वो करके दिखा देंगे। तो इनका आप समर्थन कीजिए, हमारे बाकी कैंडिडेट्स का समर्थन कीजिए। आप दूर दूर से आए मेरी बात सुनने, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।